क्या करे, अब उसी में रहना ही है, दुख तकलीफ करके रहना है, दूसरा कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। पेट्रोलिंग रोड में गाड़ी से, देहात में जाएंगे तो नाव से, तो अभी तक कुछ उपलब्ध नहीं, अपना पैसा देकर जाते हैं। कहबे नहीं करेंगे, पुलिस विभाग में फंड कहाँ है, ये तो फंड डीएम साहब का है। क्या करे, अब उसी में रहना ही है, दुख तकलीफ करके रहना है, दूसरा कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। खाना में पानी घुसा रहता है? हाँ, पानी आता है तो पानी घुस जाता है, वहीं टेबल पर सब सामान रखते हैं। और जाते कैसे हैं आप लोग पेट्रोलिंग पे? पेट्रोलिंग रोड में गाड़ी से, देहात में जाएंगे तो नाव से, नाव सरकार दे रखी है? तो अभी तक कुछ उपलब्ध नहीं, अपना पैसा देकर जाते हैं, अपना पैसा दिए, बड़ा बाबू पैसा दिए, जो भी अपने पॉकेट से, अपने पॉकेट से देना है। अभी तो आप लोग बैठते कैसे हैं, देख रहे पेड़ के नीचे? देखिए, यही पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। सीनियर सीनियर से बात नहीं की कि भाई ये हालात में कैसे लोग काम करेंगे, आपके पास संसाधन ही नहीं रहेगा तो कहबे ना करेंगे, पुलिस विभाग में फंड कहाँ है, ये तो फंड डीएम साहब का है, डीएम साहब दें। आप लोग कह रखे हैं संसाधन के नाम पे, क्या हाँ डूबने को था लेकिन टेबल पर रख दिए हुए हैं। हाँ फोन आता है जाता है, वायरलेस बिजली या 4-5 दिन से नहीं। आप देखे होइएगा कि जिस थाना की आप चर्चा करते हैं ये लगभग 60 वर्षों से अवस्थित, और कुशेश्वर स्थान बाजार में अभी पूरे आप घूमे होंगे, उसमें आपको पानी नज़र नहीं आएगा। आज से पास आज 10 साल पहले अगर आप आते तो पूरे बाजार आपको जलमग्न नज़र आता। तो चूंकि थाना बहुत पुराना है और जो इसी लॉलैंड में है, इसी का कारण है जो आपको बाढ़ जब आती है तो थाना के अंदर या समीप पानी चली जाती है, लेकिन थाना भी अब कुशेश्वर स्थान में ऊँचे जगह पर बनाने की प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं कि जहाँ जो लॉलैंड में सरकारी दफ्तर है उसको उसे ऊंचे जगह पर बनवाने की प्रक्रिया में। ABP News, आपको रखे आगे।